साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपके बच्चे की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको पता लगा है कि उसके दिल में छेद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अगर उसके दिल के अंदर छेद आपको पता लग गया है तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कहाँ ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और आगे आने वाले समय में उसको और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इस बीमारी का इलाज लेने के बाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस के बारे में बात करेंगे उसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टियोस। वैसे तो दिल के अंदर छेद कई तरह के होते हैं पर आज हम PDA के बारे में बात करेंगे। हर बच्चे में दिल के अंदर छेद नॉर्मली होते ही है पर वो 2 से 3 साल की उम्र तक है वो बंद हो जाता है। अगर ये बंद ना हो तो आगे इस छेद से जो बीमारियां हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो हम पहले जानते हैं कि ये PDA होता क्या है। तो PDA दोस्तों, वैसे जैसे हमारे अंदर हर्ट है, हर्ट को ऑक्सीजन ब्लड में डालने के लिए उसके अंदर अच्छी हवा भरने के लिए फेफड़ों के पास जाना पड़ता है ब्लड को। तो बच्चों के अंदर जब बच्चा पेट में होता है तो उसका खून है वो फेफड़ों के पास नहीं जाता, वो उसके शरीर के अंदर, वो उसके दिल के अंदर ही रहता है। तो ये छेद होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियस है, ये हार्ट का हार्ट से कनेक्शन बनाए रखता है जो ज़रूरी होता है और ये नॉर्मल भी है। पर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद है ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद है जो ब्लड है वो फेफड़ों में ही जाना चाहिए, हार्ट में ही नहीं रहना चाहिए ऑक्सीजनेशन के लिए, उसमें प्योर हवा भरने के लिए। तो जब ब्लड है फेफड़ों में तो जाता है कुछ, पर ये जो छेद है ये बंद नहीं हो पाता और ब्लड है वापस हार्ट में ही आने लग जाता है, जो पैदा होने के बाद नहीं होने चाहिए था। पैदा होने से पहले जब बच्चा पेट में था तभी ये चीज़ नॉर्मल थी, तो यहाँ से अबनॉर्मेलिटी, ये बीमारी शुरू हो जाती है। बीमारी के कुछ कारण भी हैं, अगर हम इन कारणों को जान लेंगे तो बच्चों के अंदर हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। अगर एक बच्चे के अंदर ये बीमारी आ गई है तो दूसरे बच्चे को हम इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो जैसे कि प्रीमैच्योर बर्थ है, प्रीमैच्योर बर्थ के कई कारण हैं, मतलब बच्चा सही समय से पहले पैदा हो गया है, तो उसके लिए हो सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो, या और भी अगर हमें कोई काज पता लगता है तो उसको हमने दूर करके प्रीमैच्योर से हम बच सकते हैं। दूसरा है रूबेला, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा माँ के पेट के अंदर है, अगर उसको रूबेला इन्फेक्शन हो जाए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होम्योपैथी से ले लेना चाहिए। तीसरा है जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब कि ये उसके अंदर कोई जीन में खराबी है, तो इसके अंदर जो लक्षण है वो पैदा होते ही नहीं आ जाते, क्योंकि पैदा होते तो सभी के अंदर ये होते ही है, ये 2 से 3 साल के अंदर बंद हो जाता है बाद में नॉर्मली। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब उसके अंदर लक्षण शुरू हो जाते हैं, कम से कम 2-3 साल के बाद या 2-3 साल के अंदर। तो सबसे पहला उसके अंदर जो लक्षण आता है वो है हैवी ब्रीथिंग, वो थोड़ा सा भी चलेगा या दौड़ेगा तो उसको ज़ोर से सांस लेना पड़ेगा, और उसके बाद है फटीग, थोड़ा सा भी घूमने के बाद, टहलने के बाद वो थकान महसूस करेगा, खेलने के बाद वो थकान महसूस करेगा। पुअर वेट गेन, वो कितना भी अच्छा खाना खा ले उसका वेट नहीं बढ़ेगा। कार्डियक फेलियर है जो बाद की स्टेज में आता है, अगर इसका हम ट्रीटमेंट सही समय पे ना लें तो कार्डियक फेलियर मतलब हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर इसका हम ढंग से इलाज पूरा ना लें। तो अगर हम बात करें, ये तो हमें जो दिखते हैं बच्चों के अंदर कि बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो अब हम इन चीज़ों को देखकर कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हैं, उन्होंने रिपोर्ट कर दी है, तो रिपोर्ट में हमें क्या कुछ मिलेगा जो सीधा देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो रिपोर्ट में हमें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है ख़ास करके वेंट्रिकल है, जिसने सारा खून है हार्ट से सारी बॉडी में सप्लाई करना होता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो साइज बढ़ने की वजह से भी ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, ये हार्ट की जो राइट साइड है उसके अंदर भी इनलार्जमेंट हो जाती है अगर ये बीमारी अनट्रीटेड छोड़ दें। अब हम बात करते हैं कि सही समय पे हमने कोई इलाज नहीं लिया, इन सभी को हम इग्नोर करते रहे बच्चों के अंदर, तो उसके बाद क्या हो गया,
क्या क्या चीज़ें आएंगी अगर हम इसका सही समय पे इलाज नहीं ले सकें। अगर सही समय पे इलाज नहीं लेंगे तो हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगी। ये तो बीमारी है ही है, इसके साथ कोई भी वाल्व ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, एक के साथ दो तीन बीमारियाँ और आ जाएंगी। और दूसरा है कार्डियक फेलियर, अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें, कभी भी हार्ट अटैक जैसी स्थिति बच्चों के अंदर भी बन सकती है। तो इसमें हमने जाना कि सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं, कब कब आएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये सब कुछ हमें पता लग गया है तो अब इसके लिए हम टेस्ट क्या करवाएंगे। तो सबसे बढ़िया टेस्ट है जो हमें करवानी चाहिए वो टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी। इसमें हमें पता लग जाता है अगर बच्चों के अंदर ये लक्षण आ रहे हैं, टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे तो उसमें हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये पीडीए ही है या कोई और बीमारी है अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं। और दूसरा है कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन भी बहुत बढ़िया टेस्ट है, इसके अंदर हमें इस बीमारी की सही जगह एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है। और तीसरा है एक्सरे, एक्सरे से भी हम इसको पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट में देखते हैं, अगर ये छेद है 8 mm से कम है तो हम ट्रांस कैथेटर डिवाइस से इसको बंद करवा देते हैं, कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती, ये आसान होता है। अगर 8 mm से 8 mm से छेद का साइज है वो बड़ा है तो उसके लिए हमें सर्जरी करवाना बेस्ट रहेगा। इसका बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। हाँ, अब हम बात करते हैं मेडिसिन का इसके अंदर क्या काम है, क्या सर्जरी के बाद भी हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी बच्चों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सर्जरी के बाद भी आपकी मेडिसिन उम्र भर चलती रहेंगी, क्योंकि इस बीमारी की वजह से हार्ट के अंदर ठीक करने के बाद भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट भी हो सकता है, राइट वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट भी हो सकता है, बीपी भी लंबे समय के लिए बढ़ सकता है, उसको हार्ट अटैक जैसी हालत है फिर भी आ सकती है इसको बंद करवाने के बाद भी। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आती है इन्फेक्शन की। तो इन सब चीज़ों के लिए जैसे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट है, राइट वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और कभी कभी तो सर्जरी के बाद भी ये सारे सिम्टम हैं जैसे सांस चढ़ना, जल्दी थकान आना, वेट का ना बढ़ना, बीमारी को बंद कर देते हैं पर उसका कुछ असर शरीर में देखने को मिल जाता है, वो जाता नहीं है। तो इन सब के लिए हमें होम्योपैथी लेनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी इसके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर हम एलोपैथी की बात करेंगे, इंग्लिश इलाज करेंगे, तो उसके अंदर सिर्फ बीपी कंट्रोल रहे उसकी मेडिसिन आती है। इस बीमारी की वजह से और इस बीमारी को बाद में ठीक करने के भी ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं, हार्ट अटैक जैसी भी हालत बन सकती है सर्जरी के बाद भी, और उसको थकान भी रह सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से एक तो आने वाले समय में बच्चा हार्ट की इन्फेक्शन से बच जाएगा, वो हार्ट अटैक से भी बच जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इन्लार्जमेंट जो बीमारी होती है उससे भी बच जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर इन्लार्जमेंट की बीमारी है उससे भी बच जाएगा, उन सारे सिम्टम से भी वो बच जाएगा। तो एलोपैथी के अंदर सिर्फ हम इंग्लिश ट्रीटमेंट के अंदर अगर बात करें तो जो हाइपरटेंशन है इस बीमारी की वजह से जो बीपी बढ़ता है उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको सारी डिटेल में बता दिया है, बेस्ट ऑप्शन सर्जरी है, पर सर्जरी के बाद भी जो मैंने आपको इसके लक्षण बताए हैं बीमारी के वो रह जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, उनके लिए हमें होम्योपैथी ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन तो सर्जरी के बाद भी हमें लेनी पड़ेगी और बीमारियां हार्ट की और भी बच्चों के अंदर आ जाएंगी अगर हम सोचे सर्जरी करा के हमारा पीछा छूट गया, तो ऐसा नहीं है। तो इनके लिए होम्योपैथी बेस्ट है, क्योंकि आपको मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, चाहे होम्योपैथी लो चाहे एलोपैथी लो, तो होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ख़ास करके वो जेन्युइन मेडिसिन है। तो अगर किसी के बच्चे के अंदर ये बीमारी है तो ये वीडियो शेयर कर आप उसकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि सर्जरी के बाद भी कई बच्चों की इसके अंदर मौत हो जाती है, तो आप उनको बचा सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेशन है सारी औरों को भी मिलती रहे, और जो नई इन्फॉर्मेशन में है
अपलोड करूँगा वो भी आप तक पहुँचती रहे।